सो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पीरियड्स। इसमें सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट अटोमिक रेडियस या अटोमिक साइज। अभी अटोमिक रेडियस या अटोमिक साइज बेसिकली क्या होता है, ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर दैट इज द न्यूक्लियस टिल द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, वो डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा मान लो कि दो ऑर्बिट है इसके पास, तो ये पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट, तो जो सेकेंड ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस रहेगा उसे हम लोग अटोमिक रेडियस या फिर साइज बोलते हैं। अब ये जो अटोमिक रेडियस है वो किन किन फैक्टर्स पे, किन किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो बेसिकली तीन फैक्टर्स या तीन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है नंबर ऑफ शेल्स। ये हमने हमारे लोअर क्लासेस में भी पढ़ रखा है, ठीक है। अगर शेल बढ़ता है तो साइज बढ़ जाएगा, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं डाउन द ग्रुप की बात करूं, डाउन द ग्रुप मतलब ग्रुप वाइज, पहले ग्रुप का एग्जाम्पल ले लेते हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम फ्रांशियम। तो अगर मैं लिथियम को देखूं तो लिथियम बिलोंग्स टू द सेकेंड पीरियड, मतलब उसमें दो शेल्स हैं। सोडियम बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड, मतलब उसमें तीन शेल्स हैं। पोटेशियम बिलोंग्स टू द फोर्थ पीरियड, मतलब उसमें चार शेल्स हैं। एंड एज यू कैन सी एज नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग साइज एंड रेडियस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, सो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस एज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। तो ये पहला पैरामीटर है शेल का। व्हाट इफ कि अगर शेल्स नहीं बढ़ रहे हैं, जैसे अगर मैं अक्रॉस द पीरियड गिनू, अगर मैं अक्रॉस द पीरियड नोट करूं, अब अक्रॉस द पीरियड का एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक पीरियड टू फॉर एग्जांपल। पीरियड टू के एलिमेंट्स, तो सब पीरियड टू स्टार्ट्स फ्रॉम लिथियम, देन वी हैव बेरिलियम, देन वी हैव बोरॉन, वी हैव कार्बन, वी हैव नाइट्रोजन, वी हैव ऑक्सीजन, वी हैव फ्लोरीन एंड पीरियड टू एंड्स विद नियॉन। सो पीरियड टू में इनके मैं अटोमिक नंबर लिख देता हूं जेड, विच इज प्रोटॉन का नंबर। तो लिथियम हैज 3 प्रोटॉन्स, बेरिलियम हैज 4, बोरॉन हैज 5, कार्बन हैज 6, नाइट्रोजन हैज 7, ऑक्सीजन हैज 8, फ्लोरीन हैज 9 एंड नियॉन हैज 10। तो ये फिल्ड कैसा है, ये तीन इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड एज 2.1, पहले शेल में दो गए दूसरे में एक। बेरिलियम इज 2.2, बोरॉन इज 2.3, कार्बन इज 2.4, नाइट्रोजन इज 2.5, ऑक्सीजन इज 2.6, फ्लोरीन इज 2.7 और नियॉन इज 2.8। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे शेल तो नहीं बढ़ रहा है। तो अब शेल नहीं बढ़ रहा है तो कैसे जज करना है साइज। तो दूसरा पैरामीटर जो होता है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। वॉट डू यू मीन बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल? अगर तुम नोटिस करोगे तो जो तुम्हारा न्यूक्लियस है इट हैज प्रोटॉन्स इन इट, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स के वजह से न्यूक्लियस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, जबकि जो तुम्हारा ऑर्बिट और शेल्स है दोज आर नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस नेगेटिवली चार्ज ऑर्बिट्स को अपने पास खींचते हैं, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव। तो अगर न्यूक्लियस अच्छे से खींच पाएगा तो साइज कम हो जाएगा, साइज विल डिक्रीज। नाउ अब ये कॉमन सेंस की बात है, तुम ध्यान से सोचो कि यू हैव 3 प्रोटॉन्स पुलिंग टू शेल्स एंड यू हैव 10 प्रोटॉन्स पुलिंग टू शेल्स, हु विल पुल बेटर? ऑब्वियसली 10 प्रोटॉन्स पुल्स टू शेल्स बेटर। तो अगर वो बेटर पुल कर रहा है देयरफॉर उसका साइज छोटा होगा, तो नियॉन इज स्मॉलर। तो अक्रॉस द पीरियड हम लोग क्या देखते हैं कि साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि न्यूक्लियर पुल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है। सो अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ शेल इज सेम बट न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस एंड एज न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस साइज डिक्रीजेस।
सो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है उसमें पीरियड टू में हम एक्सपेक्ट करते हैं साइज. व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग साइज? वी आर एक्सपेक्टिंग कि सबसे बड़ा लिथियम होगा क्योंकि अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज हो रहा है, फॉलोड बाय बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन एंड देन नियॉन. बट हमें देखने में क्या मिल रहा है? व्हाट इज आवर ऑब्जर्वेशन? एक स्लाइट चेंज होता है, दैट इज लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, देन यू हैव नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. सिर्फ एंड में ये स्वैप हो जाता है, नियॉन पहले आया और फ्लोरीन बाद में. अभी सीन ऐसा है कि नियॉन में कंप्लीटली फिल हो चुका है वो, ठीक है. इट इज 1s2, 2s2 एंड 2p6. तो बोथ 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड. तो अगर ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल हो जाएंगे, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए उसमें जितने आ सकते थे, तो उसमें भी तो रिपल्शन बढ़ेगा. तो यहां पे ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन साइज बढ़ जाता है, साइज इंक्रीजेस. तो साइज हल्का सा इंक्रीज हो जाता है जिस वजह से हमारा नियॉन थोड़ा सा फ्लोरीन से बड़ा हो जाता है. ये सिर्फ पीरियड टू ही नहीं है, हर पीरियड के लिए एप्लीकेबल है. हर पीरियड में ग्रुप 17 इज स्मॉलर, साइज ऑफ ग्रुप 17 इज स्मॉलर देन साइज ऑफ ग्रुप 18. तो एक्चुअली एक पीरियड में ग्रुप 18 सबसे छोटे नहीं है, ग्रुप 17 सबसे छोटे हैं. तो अगर हम पीरियोडिक टेबल देखिए तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है एंड अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज होता है. तो अगर मैं पहले पीरियड के दोनों एलिमेंट को ना कंसिडर करूं, सेकेंड पीरियड से कंसिडर करूं, तो सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा होगा? हम जानते हैं कि जैसे ही हम नीचे जाएंगे साइज इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे अक्रॉस द पीरियड साइज इज गोइंग टू डिक्रीज. तो सबसे बड़ा मेरे पास फ्रांशियम आता है. तो फ्रांशियम हैज द हाईएस्ट बिगेस्ट एटॉमिक रेडियस इन द पीरियोडिक टेबल. अगर मैं पीरियड टू से कंसिडर कर रहा हूं और मैं अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट कंसिडर करना चाहूं, तो आई एम नॉट काउंटिंग हाइड्रोजन एंड हीलियम. तो वी नो कि अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज होता है, तो वी नो कि लिथियम बेरिलियम और फ्लोरीन नियॉन में ये फ्लोरीन नियॉन वाले छोटे होंगे, बट ड्यू टू द एक्सेप्शन फ्लोरीन सबसे छोटा है ना कि नियॉन. उसी तरह क्लोरीन इज स्मॉलर देन आर्गन, ब्रोमीन इज स्मॉलर देन क्रिप्टन, आयोडीन इज स्मॉलर देन जेनॉन. एंड एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो जाता है. तो सबसे छोटा मेरा फ्लोरीन हो जाता है. तो सबसे बड़ा मेरा फ्रेंशियम है, सबसे बड़ा मेरा फ्लोरीन है. अगेन नोट कर लो कि हाइड्रोजन हीलियम को हमने नहीं गिना है, हम पीरियड टू की बात कर रहे हैं. तो साइज के दो पैरामीटर हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड. इनमें कुछ एक्सेप्शन आता है, बट वो समझने के लिए हमें तीसरा पैरामीटर समझना जरूरी है, विच इज शील्डिंग इफेक्ट. शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब एक न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जब एक न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो ये तुम्हारा पहला था. ये मान लो कि यहां पे आखिरी में इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो बेसिकली सारे ही शेल्स अंदर आ जाएंगे, तो उनका डिस्टेंस कम हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा. न्यूक्लियस विल लाइक इट क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो उसको अंदर खींचना चाहता है. बट ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें ये पसंद नहीं आएगा क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन्स और बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ चुके हैं. अब तो क्योंकि वो काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ चुके हैं, तो उनके बीच में रिपल्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगा, विच दे विल नॉट लाइक. तो देर आर टू फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑपोजिट टू इच अदर. पहला तो है कि जो न्यूक्लियस है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अंदर खींचना चाहता है क्योंकि वो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव. दूसरा, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो अंदर वाले ऑर्बिटल्स में फिल हुए हैं, ठीक है, वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को दूर भगाना चाहते हैं क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होएगा. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट. ये जो अंदर के मेरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ये पहला ऑर्बिट पहला ऑर्बिटल है तो ये 1s होगा,
यहाँ पे मेरे पास 2s है, 2p है, तो ये जो अंदर के ऑर्बिटल्स हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, ये इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियर पुल। न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचना चाहता है और वो ऐसा होने नहीं देना चाहते, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो न्यूक्लियस की पावर को निगेट कर रहे हैं। अब इसका बहुत असर हमें देखने के लिए मिलता है शील्डिंग और स्क्रीनिंग में। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मेरे को शील्डिंग और स्क्रीनिंग का कुछ देना पड़े तो आई कैन टेल यू इन टर्म्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है हमारे पास में, ये वाले एलिमेंट्स, ये जो 3D सीरीज होता है मेरा, ये वाले जो एलिमेंट्स है, ठीक है, इनका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम का। तो जस्ट लुक एट इट केयरफुली, यू हैव स्कैंडियम, यू हैव टाइटेनियम, यू हैव वेनेडियम, यू हैव क्रोमियम एंड यू हैव मैंगनीज, वी आर सम हाफ वे देयर, वी हैव आयरन, वी हैव कोबाल्ट, वी हैव निकल, वी हैव कॉपर एंड वी हैव जिंक। तो स्कैंडियम हैज 21 प्रोटॉन, टाइटेनियम हैज 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, आयरन हैज 26, कोबाल्ट हैज 27, 28 फॉर निकल, 29 फॉर कॉपर एंड 30 फॉर जिंक। लेट अस सी कि ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे हैं। तो एज इट हैज 21 प्रोटॉन्स, तो मतलब दो इलेक्ट्रॉन गए हैं, इट इज आर्गन, 4s2 3d1, तो आर्गन में 18 भर चुके हैं, 18 इलेक्ट्रॉन, देन 4s में दो गया एंड 3d में भरना चालू हुआ है, तो इट इज 3d1 4s2, 21 3d1, इट इज 3d2 4s2, 23 इज 3d3 4s2, 24 शुड बी 3d4 4s2, बट इनफैक्ट इट इज 3d5 4s1, क्योंकि 3d5 बिकम्स हाफ फिल्ड, डी में टोटल 10 जा सकते हैं, तो ये आधा भर भर गया है, तो हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन एस से जंप मारता है 3d में, ये अवयव को ये करता है, अवयव को निगेट करता है। मैंगनीज इज बराबर 4s2 3d5 4s2, आयन इज 3d6 4s2, कोबाल्ट इज 3d7 एंड 4s2, निकल इज 3d8 एंड 4s2, कॉपर अगेन शुड बी 3d9 4s2 बट वो है 3d10 4s1 एंड जिंक इज 3d10 4s2। तो अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पे शेल नहीं बड़ा है, शेल उतना ही है, चार ही शेल है, ठीक है। तुम्हारे पास बीच में न्यूक्लियस है, 1s में दो इलेक्ट्रॉन गए हैं, 2s में दो गए हैं, 2p में 6 गए हैं, 3s में दो गए हैं, 3p में 6 गए हैं, फिर 4s में दो गया और फिर यहाँ पे 3d में एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरना चालू हुआ है, तो 3d1 3d2 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरना चालू हुआ है। तो यहाँ पे जब डी ब्लॉक में जब इलेक्ट्रॉन भर रहा है तो तुम नोटिस करो कि आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है और वो अंदर वाले शेल में जा रहा है, क्योंकि लास्ट वाला शेल तो 4s है, वो भर कैसा रहा है, 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5, वो अंदर वाले शेल में भर रहा है। तो अंदर वाले शेल में भर रहा है मतलब क्या, वो शील्डिंग पावर को बढ़ा रहा है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस है, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को पुल करना चाहते हैं, बराबर, ये अंदर वाले तो अपोज कर ही रहे हैं, 1s 2s 2p 3s 3p तो अपोज कर ही रहे हैं, बट वो डिफरेंस नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि जब भी हम किन चीजों को कंपेयर करते हैं तो हम उनके डिफरेंसेस पे कंपेयर करते हैं। अगर मैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और इन सब एलिमेंट्स को कंपेयर करूं तो ये सब में 1s तो है ही, 2s भी है, 2p भी है, 3s भी है, 3p भी है, वो ऑर्बिटल्स, उन वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर पुल को अपोज करेंगे, बट वो जितना स्कैंडियम में करेंगे उतना ही निकल में करेंगे, जितना निकल में करेंगे उतना ही क्रोमियम में करेंगे, तो वो तो हर जगह सेम ही है, अलग क्या है, अलग है 3D, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं भर रहा है, अगर वो बाहर भरता तो न्यूक्लियस उसी को खींचता, इलेक्ट्रॉन अंदर भर रहा है तो वो शील्डिंग प्रोटेक्शन बढ़ा रहा है। 3D में स्कैंडियम में एक प्रोटेक्शन है 3D का, टाइटेनियम में दो आ गया, वेनेडियम में तीन आ गया, क्रोमियम में पांच आ गया, तो कैन यू सी द शील्डिंग इफेक्ट इज इंक्रीजिंग, यस द न्यूक्लियर पावर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग बट सो इज शील्डिंग, बराबर। सो वॉट इज द ट्रेंड ऑब्जर्व हियर, तो जब मैं डी ब्लॉक के एलिमेंट को देखूं तो हम साइज जो एक्सपेक्ट करते हैं,
हम साइज जो एक्सपेक्ट करते हैं वो यही होता है, यू हैव स्कैंडियम फॉलोड बाय, स्कैंडियम सबसे बड़ा होना चाहिए क्योंकि अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज होता है, टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम देन मैंगनीज देन आयरन देन कोबाल्ट देन निकल देन कॉपर एंड देन जिंक। क्यों? क्योंकि लॉजिक 21 प्रोटॉन्स पुलिंग फोर शेल्स एंड 30 प्रोटॉन पुलिंग फोर शेल, तो 30 शुड बी पुलिंग बेटर, तो साइज शुड डिक्रीज। तो इसी लॉजिक पे साइज वी आर एक्सपेक्टिंग टू बी दिस, बट ऑब्जर्वेशन में हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है कि फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम साइज डिक्रीज होता है, उतना नहीं जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बट साइज डिक्रीज हो रहा है। फ्रॉम क्रोपियम क्रोमियम टू कॉपर साइज ऑलमोस्ट रिमेन सेम, साइज इज ऑलमोस्ट सेम। एंड फ्रॉम कॉपर टू जिंक साइज इंक्रीजेस। अब इसका रीजन क्या है? इट्स शील्डिंग इफेक्ट, जो हमारा शील्डिंग पावर है, शील्डिंग इफेक्ट है, बराबर कि नहीं? तो यहां पे जो तुम्हारा इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल है, इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल, यस शील्डिंग बढ़ रहा है, प्रोटेक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, अंदर और इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जो बाहर के फोरेस्ट के इलेक्ट्रॉन्स को बचा रहे हैं, लेकिन फिर भी यहां पे न्यूक्लियर पुल इज स्टिल स्ट्रॉन्गर देन दी शील्डिंग पावर। नोट करना, सिर्फ 3D ही नहीं शील्ड कर रहे हैं, 1s 2s 2p 3s 3p सब शील्ड कर रहे हैं, बट उनका शील्डिंग सब में कॉमन है, तो डिफरेंस कौन बना रहा है? 3D का शील्डिंग। तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल शील्डिंग से ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए स्कैंडियम और क्रोमियम में साइज कम हो गया। न्यूक्लियर स्ट्रांग है तो वो खींच लेगा। फ्रॉम क्रोमियम टू कॉपर ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है, न्यूक्लियर पुल एंड शील्डिंग पावर ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं, इसीलिए साइज में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। डोंट गेट मी रॉन्ग, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी साइज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है, हो रहा है, फर्क पड़ता है, बट बहुत माइन्यूट सा, एक एक पिकोमीटर दो दो पिकोमीटर का। तो यहाँ पे भी तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो ऑलमोस्ट सेम रह रहा है। कॉपर टू जिंक क्यों इंक्रीज हो रहा है? यहाँ पे शील्डिंग बढ़ गया, नहीं वो रीजन नहीं है, ये नियॉन वाला ही रीजन है कि जैसे जिंक अगर हम लोग देखेंगे तो वो हो गया है आर्गन 4s2 एंड 3d10, एज वहां पे ऑर्बिटल्स पूरी तरीके से फिल हो गए, एज वो कंप्लीटली फिल्ड हो गया है, तो कंप्लीटली फिलिंग होने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच की रिपल्शन बढ़ जाएगी, एंड जो मेरा साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा स्लाइटली। तो वही जो हम लोग ने इनर्ट गैसेस में देखा था ग्रुप 17-18 में कि नियॉन का साइज फ्लोरीन से ज्यादा हो गया था, उसी तरह यहाँ पे भी कॉपर का साइज, सॉरी जिंक का साइज कॉपर से ज्यादा हो गया है। अभी अपार्ट फ्रॉम हमारा जो नॉर्मल साइज है, एटॉमिक साइज है, एटॉमिक रेडियस है, उसके अलावा हम लोगों को आयोनिक रेडियस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आयोनिक रेडियस को कैसे जज करना है? अगर कभी भी आयन्स दिया है, आयोनिक रेडियस बेसिकली आयन्स का रेडियस होगा, कटायन का या अनायन का, तो उसे बेसिकली हम लोग वही दो पॉइंट से जज कर लेते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल और नंबर ऑफ शेल्स। तो जैसे कि अगर मैंने मुझे एग्जाम्पल दिया है कि सोडियम है Na+, Mg2+ है, Al+3 है एंड सिलिकॉन है, तो मैंने यहाँ पे चार कटायन ले लिया है, तो सबसे पहले तो आई विल राइट डाउन द एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब याद रखना ये जो चार्जेस है उसमें प्रोटॉन्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन्स में फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स तो मेरे पास में 11 ही है जो एटॉमिक नंबर है सोडियम का, इधर 12 है, इधर 13 है और इधर 14 है। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो वो 10 है, मैग्नीशियम ने भी दो इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो भी 10 है, एल्यूमिनियम ने 3 लूज किया है वो भी 10 है, और सिलिकॉन भी 10 है। ये सारे जो आयन्स है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो 10 कुड बी रिटन एज 2.8, 2.8, 2.8 एंड 2.8,
सो वेरी वेल यू कैन सी कि शेल तो इंक्रीज नहीं हो रहा, तो हमारा पहला पैरामीटर तो क्राइटेरिया नहीं हो सकता। अब दूसरे में तुम्हें बस ये सोचना है कि न्यूक्लियर पुल किसमें ज्यादा है, क्या 11 प्रोटॉन दो शेल को बेटर खींचेंगे कि 14 प्रोटॉन दो शेल को बेटर खींचेंगे। ऑब्वियसली 14 प्रोटॉन्स पुल्स बेटर, तो सिलिकॉन का साइज सबसे कम होगा, तो इसका साइज विल बी वेरी इजीली नोटेड एज Na प्लस सबसे बड़ा है, देन Mg2+, देन Al+3 एंड देन सिलिकॉन। ऑलवेज पहले रिमेम्बर कि यू हैव टू नोट डाउन कि वो कौन से कितने शेल्स है उसमें, तो ये नोट करना ज्यादा जरूरी है। एक अनायन का भी देख लेते हैं, जैसे लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यू हैव F-, यू हैव O2- फ्लोराइड ऑक्साइड नाइट्राइड, एंड लेट्स टेक एन इनर्ट एलिमेंट नियॉन। तो फ्लोराइड इस प्रोटॉन का नंबर यानी एटॉमिक नंबर इसका 9 है, इसका 8 है, इसका 7 है और इसका 10 है। अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसने माइनस चार्ज है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, फ्लोरीन ने 1 गेन किया है तो 10 हो गया, ऑक्सीजन ने 2 गेन किया है 10, नाइट्रोजन ने 3 गेन किया है वो भी 10 है, और नियॉन ने कुछ नहीं किया तो वो तो 10 ही है। तो मैक्सिमम तो अब शेल्स तो नहीं बढ़ रहा है, आई कैन सी 7 प्रोटॉन्स हियर एंड आई कैन सी 10 प्रोटॉन्स हियर। गो बाय द लॉजिक, विल 7 पुल 10 बेटर और विल 10 पुल 10 बेटर? 10 विल पुल 10 बेटर, सो नियॉन पुल्स बेस्ट। तो नियॉन सबसे छोटा रहेगा साइज में, फॉलोड बाय फ्लोराइड जिसमें 9 प्रोटॉन आते हैं तो वो बेटर खींचेगा, फ्लोराइड बाय फॉलोड बाय ऑक्साइड एंड देन यू हैव नाइट्राइड। तो दिस इज अबाउट साइज, आयनिक साइज। अभी एक जनरल क्वेश्चन अगर तुम्हें पूछा कि कटायंस का बड़ा है साइज कि एटम का, या अनायन का कि एटम का, तो दैट ऑल्सो यू शुड नो कि कैटायंस का साइज हमेशा एटम से छोटा होगा उसी के एटम से, और अनायन का साइज एटम से बड़ा होगा उसी के एटम से। वी कैन जस्ट टेक अ क्विक एग्जाम्पल ओवर हियर, लेट्स टेक सोडियम एटम एंड Na+। सोडियम हैज 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन, वाइल Na+ आयन सोडियम आयन हैज 11 प्रोटॉन्स बट ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स। सीधा सीधा शेल का फर्क पड़ रहा है, दिस इज 2,8,1 वाइल दिस इज 2,8। एज द नंबर ऑफ शेल इज डिक्रीजिंग सो कटायंस इज स्मॉलर एंड जो तुम्हारा एटम है वो बड़ा है। अगर मैंने अनायन की बात की तो यू हैव Cl एंड यू हैव Cl-, बोथ क्लोरीन एंड क्लोराइड हैव 17 प्रोटॉन्स बट क्लोरीन हैज 17 इलेक्ट्रॉन्स वाइल क्लोराइड हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स। शेल तो सेम ही है 2,8,7, यहाँ पे भी 2,8,8 ही है, तो शेल तो नहीं इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, बट लॉजिकली सोचो 17 प्रोटॉन विल पुल 17 इलेक्ट्रॉन बेटर कि 17 प्रोटॉन विल पुल 18 बेटर? ऑब्वियसली 17 17 बेटर पुल करेगा, तो क्लोरीन एटम विल बी स्मॉलर देन क्लोराइड अनायन। तो अनायन का साइज बड़ा होता है एटम से एंड कटायन का साइज छोटा होता है एटम से, सेम सेम कंपेयर कर रहे हैं तब। तो दिस इज ऑल अबाउट आयोनिक रेडियाई। जो रेडियस होता है वो अलग अलग तरीके टाइप का होता है, जैसे यू कैन हैव अ कोवेलेंट रेडियस, यू कैन हैव अ मेटालिक रेडियस, और यू कैन हैव अ वैंडरवाल्स रेडियस, और यू कैन हैव अ मेटालिक रेडियस। तो इसमें तुम्हें लॉजिकली सोचना है और कुछ नहीं सोचना है। तुम्हें पूछा जाता है कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो लॉजिकली सोच लो। तुम्हें पता है कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो एटम्स ओवरलैप करते हैं, ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। तो अगर ये मेरा एक क्लोरीन एटम है और ये मेरा दूसरा क्लोरीन एटम है तो इट इज गोइंग टू ओवरलैप, बराबर? तो जो डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस होगा द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ इज बेसिकली एक क्लोरीन एटम के सेंटर से दूसरे क्लोरीन एटम के सेंटर तक का डिस्टेंस, और जो तुम्हारा कोवेलेंट रेडियस रहेगा दैट विल बी बॉन्ड लेंथ बाय 2। हम इसे डिवाइड कर देंगे बाय 2 तो हमें कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगा। मेटालिक रेडियस मतलब जनरली जो कंपाउंड्स मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि सारी के सारे मेटल्स,
सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम आयरन कोबाल्ट निकल, ये जो सारे के सारे मेटल्स हैं वो थ्री डायमेंशनल स्पेस में अरेंज है, वो मेटालिक बॉन्ड बना रहे, एंड वी नो कि वो एकदम टाइटली सॉलिड्स है ना, तो वो एकदम टाइटली पैक्ड है, बट वो ओवरलैप नहीं किए हैं, वो टाइटली पैक्ड है बट वो ओवरलैप नहीं किए हैं। वापस यहाँ पे जो एक एटम से दूसरे एटम तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो हम लोग निकालते हैं, एंड बाय टू करके मुझे मेटालिक रेडियस मिल जाएगा। वैंडरवाल फोर्सेस मतलब जनरली जो सब्सटेंसेस में होता है, गैसेस वगैरह में, लिक्विड्स वगैरह में, इवन सॉलिड्स में भी होता है वैंडरवाल फोर्सेस। तो बेसिकली यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एटम एक दूसरे से टच नहीं है बल्कि काफी दूर दूर है, जैसे हीलियम एटम, ये एक हीलियम एटम है, ये दूसरे हीलियम एटम है, तो दे आर नॉट टचिंग ईच अदर, दे आर नॉट ओवरलैपिंग, वो काफी दूर दूर है। तो इसके डिस्टेंस, तो यहाँ पे हम इस तरीके में हम लोग वैंडरवाल रेडियस कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ का जो डिस्टेंस रहेगा उसको बाय टू करेंगे तो वैंडरवाल रेडियस आएगा। यहाँ पे क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे तुम्हें नोट करना है कि कौन सा रेडियस प्रैक्टिकली बड़ा आएगा, कौन सा छोटा आएगा। तो तुम देख सकते हो कि वैंडरवाल फोर्सेस काफी दूर दूर होते हैं, मतलब एटम्स काफी दूर दूर होते हैं, तो रेडियस का वैल्यू उसका ज्यादा बड़ा आएगा। तो वैंडरवाल रेडियस इज अ लिटिल ग्रेटर, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है ये, लेकिन क्या करे, वो बॉन्ड नहीं बना रहे, टच नहीं कर रहे, दूर दूर है, तो वैंडरवाल रेडियस जो है वो स्लाइटली बड़ा होता है। फिर तुम्हारा मेटालिक रेडियस आएगा जो एकदम एग्जैक्टली टच कर रहा है, ये थोड़ा काफी प्रॉपर है, और दूसरा आ जाता है कोवालेंट, क्योंकि कोवालेंट में ओवरलैप हुआ है तो बराबर नहीं आया है, वो बॉन्ड लेंथ छोटा है उसका। अब तुम बोल सकते हो कि जब सब मेटालिक रेडियस सबसे बराबर है तो वही क्यों नहीं सबके लिए यूज करते, क्योंकि हर कोई मेटालिक बॉन्ड नहीं बनाता है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जो जो कंपाउंड्स हैं तो वो ओवरलैप किए हुए हैं, तो उनका रेडियस चेक करना है तो हम बॉन्ड लेंथ को बाय टू डिवाइड करते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जैसे इनर्ट गैसेस, वो रिएक्ट ही नहीं करते, तो उनकी बीच का जो अट्रैक्शन है वो वैंडरवाल फोर्सेस ही है, तो उसका रेडियस हमें उसी तरीके से निकालना पड़ता है। तो दिस इज वॉट वी यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। वी कंप्लीट द रेडियस वाला पार्ट ओवर योर, वी हैव टू लर्न अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विच विल बी गिवन इन वीडियो नंबर 2।